बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं हम। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। कह रहे हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है आपने, ठीक है। कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, आप रेशनलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ओनली अप टू यू कि आपका जो मेथड यूज़ करने का दिल आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं जो है वो आपको फॉर्मूले से करवा दूंगी और कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको जो है वो विदाउट फॉर्मूला यानी रैशनलाइजेशन अगर हो रही होगी तो उससे करवा दूंगी, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब है आपके पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट अंडर रूट 2 प्लस आयोटा की एक्सपोनेंट माइनस 2। अब होल की एक्सपोनेंट है नेगेटिव। अब जब भी एक्सपोनेंट नेगेटिव होगी तो आपने सिंपली क्या करना है, उसको पॉजिटिव करना है सबसे पहले, ठीक है। अब पॉजिटिव कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि ऊपर अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वो डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर लेट यहाँ पर आपके पास हो गया जेड इज इक्वल्स टू दिस। अब जेड इज इक्वल्स टू, इसको आपने पॉजिटिव करना है तो ये फ्रैक्शन में चला गया यानी डिनोमिनेटर में चला गया न्यूमरेटर से उठ के, और इसकी एक्सपोनेंट हो गई यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। वन नीचे वन था, ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, और इसकी एक्सपोनेंट हो गई पॉजिटिव, सिंपल। अब आपके पास यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले यहाँ मैं लिख रही हूँ, ये आपने अच्छे से याद कर लेने। ये मैथ्स में किसी भी एक्सरसाइज में कभी भी कहीं भी यूज़ हो रहे हो, आपने कर लेने होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है। कुछ फॉर्मूलाज आपके पास क्यूब वाले भी होते हैं, अगर क्यूब आ जाता है तो वो भी बड़ी आसानी से आपके पास यूज़ हो सकते हैं, बट ये तीन तो ऐसे हैं जिनको आपने कभी भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, ये a है, ये प्लस b अंडर रूट 2 प्लस 2 फॉर्मूले का अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। z इज इक्वल्स टू 1/ स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 बाहर प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। 1/2 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह रख दिया माइनस 1, ठीक है। जेड इज इक्वल्स टू 1/ अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 1, तो 2 माइनस 1 करें तो जस्ट 1 ही आएगा, तो 1/2 अंडर रूट 2 आयोटा। अब आपके पास यहाँ पर होगी रैशनलाइजेशन, क्योंकि सिंपली आपके पास जो है डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, तो इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके ये एज इट इज आ जाएगा 1-2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन, डिनोमिनेटर में देखें तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला a + b - b a का स्क्वायर, तो a है 1-b है 2 अंडर रूट 2 आयोटा इसका स्क्वायर। तो z इज इक्वल्स टू 1-2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1-2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4 स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल मल्टीप्लाई बाय 2 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब ये आपके पास हो जाएगा 1-2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 1 × 4 = 8 आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया माइनस 1, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू 1-2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 1+8 = 8 मजीद करें तो z इज इक्वल्स टू 1-2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 9, ठीक है। अब 9 दोनों का है तो दोनों के नीचे 1/9 सिंपली, और यहाँ से -2 अंडर रूट 2 अपॉन 9 आयोटा, ठीक है। तो अब रियल और इमेजिनरी पार्ट बता देते हैं। रियल को आप ऐसे शो करेंगे कि यहाँ पर रियल पार्ट है आपके पास आर ई इज इक्वल टू 1/9 एंड इमेजिनरी पार्ट को आई एम, या पूरा रियल रियल लिख लें, पूरा इमेजिनरी लिख लें, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट है -2 अंडर रूट 2 अपॉन 9,
जब इमेजनरी पार्ट लिखेंगे उसके साथ आयोटा की साइन नहीं लगाइएगा, ठीक है, इमेजनरी पार्ट, क्योंकि इमेजनरी पार्ट ही शो जो है वो आपके पास आयोटा वाले नंबर को करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1, 7 पार्ट्स हैं आपके पास इस क्वेश्चन के। स्टार्ट करते हैं सेकंड। अब पार्ट 2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का, 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा के एक्सपोनेंट माइनस 1। अब हमने इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, एनी मेथड, कोई भी मेथड यूज करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपके पास है, इसको जेड के इक्वल ले लेते हैं। लेट जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा की एक्सपोनेंट माइनस 1। अब देखें एक्सपोनेंट फिर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है, तो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आकर हो जाएगी पॉजिटिव। ये साइड नहीं पलटनी होती इस बार, ठीक है, वो हम करते हैं जब आपके पास 1 अपॉन जेड की वैल्यू फाइंड, तब ये कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी आपने सिर्फ ये इसको पॉजिटिव करना है ना एक्सपोनेंट को, तो ये डिनोमिनेटर में आके हो गया पॉजिटिव, इसकी एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गई जस्ट। अब आपके पास डिनोमिनेटर में 1 एक्सपोनेंट 1 है, 1 हम शो नहीं करते। अब आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया है आयोटा, तो ख़त्म करने के लिए आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। सिंपल रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम करें तो z इज इक्वल्स टू 1 को मल्टीप्लाई करें 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा से, तो ये एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर में करें तो a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला आप जानते हैं बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए है 1 का स्क्वायर, बी है अंडर रूट 5 आयोटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 5 आयोटा स्क्वायर। अब आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस 1 के बराबर होता है। 1 माइनस 5 और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने पुट कर दिया माइनस 1। 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 5 वन ज़ा 5, तो z इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा अपॉन 6। रियल को रियल सॉरी डिनोमिनेटर दोनों के नीचे कर दें, 1 अपॉन 6 प्लस 5 आयोटा अपॉन 6, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अच्छा जी यहाँ अंडर रूट 5 आ रहा था, मैं अंडर रूट लगाना यहाँ से मिस हो गया, तो अंडर रूट लगा लीजिए। अब हम लिखेंगे रियल पार्ट, आर ये रियल पार्ट है आपके पास 1 अपॉन 6 एंड इमेजनरी पार्ट है आपके पास अंडर रूट 5 अपॉन 6, ठीक है। आयोटा नहीं लिखते, जब भी आप इमेजनरी पार्ट बता रहे होते हैं तो उसमें आपने आयोटा को नहीं शो करना होता, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास पार्ट 2 की सिंप्लीफिकेशन हो गया आंसर। अब पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 है आपके पास अंडर रूट 3 माइनस आयोटा की एक्सपोनेंट माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 जैसा है ये। अब हम 8 का पार्ट 3 कर रहे हैं तो बिल्कुल दोनों सेम ही हैं, ठीक है, उसी तरह से होगा बिल्कुल आपके पास। सबसे पहले हम करेंगे लेट z इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस आयोटा की एक्सपोनेंट माइनस 2। अब एक्सपोनेंट पॉजिटिव करनी है तो ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आकर पॉजिटिव हो जाएगी। अब एक्सपोनेंट 2 है, ठीक है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का अंडर रूट 3 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। 1 एज इट इज, अंडर रूट 3 से स्क्वायर से अंडर रूट 3 कैंसिल, अंडर रूट कैंसिल, 3 बाहर, यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह रख दें माइनस 1। 1 अपॉन 3 प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 माइनस 1 हो गया 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा।
अब आपके पास यहाँ पर करना पड़ेगा रैशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा हो गया और कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीप्लाई बाय इसके कॉन्जुगेट होंगे 2 + √3 iota, 2 + √3 iota। मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड भी कर दिया, यानी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब आपके पास यहाँ से हो जाएगा जेड इज इक्वल्स टू, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 + √3 iota एज इट इज़। डिनोमिनेटर में करें तो a - b a + b का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 2² - 2√3 iota का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब आपके पास देखें इसी को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, जेड इज इक्वल्स टू 2 + √3 iota अपॉन 2² - 2² स्क्वायर से रूट कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 3 iota² अब देखें स्क्वायर 2² 3 √3 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बाहर तो 4 3 होगा मल्टीप्लाई, फिर iota² की जगह रखेंगे -1, 4 - 4 3 = 12, iota² की जगह रखेंगे -1, 2 + √3 iota अपॉन 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये 12 एज इट इज। अब आपके पास 12 को ऐड करें 16 हो जाएगा, 16 एक नीचे भी लिखते हैं, ठीक है, अलग अलग भी करते हैं साथ साथ। कुछ स्टेप्स स्किप करना सीखिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस हो जाएंगे। छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं, हम इनको प्लस करके मैंने 16 इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी 2 1 2 2 8 16, 2 1 2 2 8 16, जेड इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस √3 iota / 8। अब आपके पास रियल पार्ट है 1/8 और इमेजनरी पार्ट है √3/8। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था आपके पास पार्ट 3। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। चलिए पार्ट 4 कर लेते हैं। पार्ट 4 है आपके पास 2 iota - √3 के एक्सपोनेंट -1। अब लेट करेंगे, सबसे पहले लेट जेड इज इक्वल्स टू 2 iota - √3 की एक्सपोनेंट -1। अब एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है तो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव होगी, तो 2 iota - √3 की एक्सपोनेंट +1 होगी। अब +1 हम शो नहीं करते, तो अब आ गया है आयोटा आपके पास डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए आपने करनी होती है रैशनलाइजेशन, तो कर लेते हैं सिंपली रैशनलाइजेशन 2 iota। अब आपके पास हमने करना है इसकी पोजीशन को पहले चेंज, ठीक है, तो नीचे पहले पोजीशन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए iota इन्होंने पहले लिख कर दिया है, तो -√3 + 2 iota पोजीशन चेंज कर ली। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, वरना आपका क्वेश्चन हो जाता रॉन्ग। -√3 - 2 iota, बीच की साइन चेंज होगी आयोटा वाले पार्ट की, -√3 - 2 iota, ठीक है। पोजीशन चेंज किए बगैर अगर आप करेंगे ना तो आपके लिए ही कन्फ्यूजन क्रिएट होती रहेगी, क्योंकि आपको इस तरह से करने की आदत है कि आयोटा वाला पार्ट जो है वो आपके पास बाद में लिखा होता है। 1 × this तो एज इट इज हो जाएगा -√3 - 2 iota अपॉन। अब देखिए a + b - b का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल है। माइनस यहाँ से कॉमन ले लें, ये आपके पास बचेगा √3 + माइनस में चेंज होएगी, माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, साइन जो है पलट गई माइनस कॉमन लेने से। यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा +√3 + 2 iota। माइनस कॉमन ले लिया, अब माइनस और माइनस हो गए प्लस, माइनस हो गई ख़त्म, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे भी कॉमन ले लें, √3 + 2 iota एज इट इज़। अगर ज़रूरत पड़ी बाद में मल्टीप्लाई करने की तो मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर वापस, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास हो जाएगा सिंपली a - b a + b, तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, माइनस हो देखिए ख़त्म हो गई, माइनस माइनस हो गई प्लस ख़त्म, साइन फॉर्मूले की में √3 का स्क्वायर माइनस
टू आयोटा का होल स्क्वायर, अब अंडर रूट थ्री माइनस साइन एम अंडर रूट थ्री प्लस टू आयोटा अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, थ्री टू टू ज़ा फोर आयोटा स्क्वायर। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि माइनस नीचे आती हुई नज़र नहीं आ रही, कि अगर आपके पास क्या होता, बड़ा नंबर ये होता, ठीक है, ये तो बड़ा है ऑलरेडी, ये बड़ा होता तो आपके पास क्या हो जाता, इसमें से इसको माइनस कर लेते, या ये माइनस का होता तो माइनस की साइन तो आती हुई कहीं नज़र ही नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास हो गया स्क्वायर, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर है थ्री माइनस फोर आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन, माइनस अंडर रूट थ्री माइनस टू आयोटा, थ्री माइनस माइनस प्लस फोर वन ज़ा फोर, तो जेड इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री माइनस टू आयोटा अपॉन सेवन, दोनों को अलग अलग जो है वो सेवन दे दीजिए, जेड इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन सेवन माइनस टू आयोटा अपॉन सेवन, ठीक। अब आपके पास रियल और इमेजनरी पार्ट आपने लिखना है, तो यहाँ पर देखिए रियल है आपके पास माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन सेवन एंड इमेजनरी पार्ट है आपके पास माइनस टू अपॉन सेवन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ये था पार्ट फोर, पार्ट फाइव कर लेते हैं। पार्ट फाइव है मेरे पास वन अपॉन फोर आयोटा माइनस फाइव की एक्सपोनेंट माइनस वन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, ये देखते ही अंदाज़ा हो रहा है। तो सबसे पहले आप कर लेंगे लेट जेड इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर आयोटा माइनस फाइव की एक्सपोनेंट माइनस वन। अब एक्सपोनेंट देखें, जब भी नेगेटिव होगी ना होल पे, वन अपॉन फोर आयोटा माइनस फाइव की एक्सपोनेंट माइनस वन। अगर आपने सिर्फ माइनस वन देखें, इसका भी है, ओहो यहाँ माइनस नहीं आएगी, और आपके पास फोर आयोटा माइनस वन इसका भी, ये ऊपर जाके पॉजिटिव, ये नीचे आके पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके पास फोर आयोटा माइनस फाइव अपॉन वन, ये नीचे आके इसकी एक्सपोनेंट वन की पॉजिटिव होगा, इसकी ऊपर जाके होगी, तो फोर आयोटा माइनस फाइव सिंपल आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने जस्ट यही करना है, z इज इक्वल्स टू फोर आयोटा माइनस फाइव, और नीचे वन हम शो नहीं करते। अगर टू और या थ्री कुछ नंबर होता आपके पास तो आप शो कर लेते सिंपल, बट यहाँ पर आप शो नहीं करते। अब देखें आयोटा वाला पार्ट पहले लिखा है और जो है रियल पार्ट बाद में लिखा है, तो इसको अरेंज भी कर लें, माइनस फाइव प्लस फोर आयोटा। आपने याद रखना है कहीं पहला पार्ट आप रियल कह दें दूसरा इमेजनरी, देखा करें कि आयोटा किसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। रियल पार्ट अब आपके पास यहाँ से सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, न्यूमिनेटर में आ गया अब आपके पास, और न्यूमिनेटर में है तो आपके पास डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, सिंपल है, इससे ज़्यादा क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं हो सकता। तो रियल पार्ट है माइनस फाइव और इमेजनरी पार्ट है फोर, और आयोटा इमेजनरी पार्ट में शो नहीं करते, ठीक है। ये आ गया आपके पास सिंपल पार्ट फाइव का आंसर। पार्ट सिक्स कर लेते हैं। अब हमारे पास पार्ट सिक्स है, थ्री प्लस फोर आयोटा अपॉन फाइव आयोटा माइनस फोर की एक्सपोनेंट माइनस टू। अब आपके पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों मौजूद हैं और एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो सिंपली हम इसे भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, ठीक है। बट ये आपके पास थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। लेट जेड इज इक्वल्स टू थ्री प्लस फोर आयोटा अपॉन फाइव आयोटा माइनस फोर, इसकी एक्सपोनेंट है माइनस टू। अब माइनस टू है ना, तो अभी मैंने आपको समझाया प्लस टू हो जाती है कैसे, मैं देखें थ्री प्लस फोर आयोटा के ऊपर भी माइनस टू एक्सपोनेंट है अलग दे दो, फाइव आयोटा माइनस फोर पर भी माइनस टू एक्सपोनेंट है अलग दे दो, नेगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव होगी, नेगेटिव है नीचे आकर पॉजिटिव होगी। तो आपके पास फाइव आयोटा प्लस फोर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और थ्री प्लस फोर आयोटा नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये नीचे आ गई इसकी एक्सपोनेंट, नीचे आके पॉजिटिव हुई, इसके ऊपर आके पॉजिटिव हुई, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपली बराबर आ गया इसके। अब आप होल पे पॉजिटिव लगा सकते हैं इस तरह से, देखें भाई फाइव आयोटा प्लस फोर थ्री प्लस फोर आयोटा का होल स्क्वायर ऐसे, तो
तो यानी कि आपने बस पलट देना है और इसको पॉजिटिव कर देना है। डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है? इतना लंबा चौड़ा अपने यहाँ पर शो नहीं कराना। अब उनको भी अंदाज़ा है कि आप लोग जो है बहुत समझदार हो गए, फर्स्ट ईयर में आ गए, तो आपने जस्ट फ्रैक्शन पलटी, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, और यहाँ पर इसको कर दिया सिंपली पॉजिटिव, ठीक है? अब ये दोनों के ऊपर है तो दोनों को देंगे और फिर स्क्वायर का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 5i - 4 का स्क्वायर 3 + 4i² होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² ये तो डिनोमिनेटर में, ऊपर देखें a - b² का अप्लाई हो रहा है, तो a - b² बराबर है a² - 2ab + b² के, ठीक? अभी आप ये मत देखें आयोटा कहाँ है, अभी आप कर लें फॉर्मूला अप्लाई कर लें, देन फिर आप पोजीशन चेंज कर दीजिएगा। a² - 2 फॉर्मूले का ab + b² a² - 2 फॉर्मूले का ab + b² 5 × 5 = 25 iota² -2 × 5 = 10 10 × 4 = 40 iota +4 × 4 = 16 3 × 3 = 9 + 2 × 3 = 6 6 × 4 = 24 iota +4 × 4 = 16 iota². अब जहाँ भी आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 पुट कर दें, 25 -1 से मल्टीप्लाई होगा -40 iota + 16 9 + 24 iota + 16 iota² = -1 के। ये हो गया -25, ये है +16, -40 iota ले गए हम लास्ट में, यह है +9 ±-16 +24 iota ले गए हम लास्ट में, ±- हुआ 25 में से 16 को हमने किया -9 बचा आपके पास माइनस का, ठीक। अब आपके पास यहाँ पर -40 iota एज इट इज, यहाँ पर करें 16 में से आपने 9 निकाले तो आपके पास बचा 7 माइनस का प्लस का 24 iota। अब आपने करनी है यहाँ पे रैशनलाइजेशन सिंपली, क्योंकि आपके पास और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है नहीं, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया है यहाँ से आयोटा। अच्छा, उससे पहले हम एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है माइनस साइन कॉमन लेना, माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 9 + 40 iota और यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये 7 - 24 iota हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगी कैंसिल। अब आप करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट होंगे, तो ये होगा 7 + 24 iota कॉन्जुगेट और 7 + 24 iota कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई भी कर लिया डिवाइड भी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था क्योंकि स्क्वायरिंग थी, फिर आपके पास सिंप्लीफिकेशन की, अब आपने जो है वो डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करना है। ऊपर आपके इस दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लें, 9 × 7 = 63 + 9 को मल्टीप्लाई करें 24 iota से, नाइन मल्टीप्लाई बाय 24 216 iota। फिर 40 iota को करें 7 से तो 47 = 280 iota +40 = 960 iota² डिनोमिनेटर में करें तो यहाँ पे a - b, a + b का फॉर्मूला अप्लाई, तो a² - 24 iota² ठीक है? तो सिंप्लीफाई करें, यहाँ से 63 इन दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों के पास प्लस की साइन है, 216 में 28 ऐड कर लें, 244 iota +960 as it is, iota² की जगह रखा -1,
7 7 49 माइनस 24 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह रख दें माइनस 1, तो यहाँ से 63 प्लस माइनस माइनस हुआ 960, 960 में से आपने 63 को माइनस किया, 960 में से आपने 63 को माइनस किया 897 माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस का नंबर है, तो माइनस का 897 प्लस का 244 आयोटा अच्छा जी, एक जो है वो मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर कि मैंने 280 लिखना था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैंने 40 को 7 से किया था, 4 7 28 और 0, ठीक है, तो 280 लिखना था, मैंने 28 कर दिया, तो 216 में 280 को प्लस करेंगे तो ये 496 आपके पास हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ यहाँ पर, यहाँ पर है आपके पास 496, ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हो गई थी जल्दी जल्दी में 280 लिखने के बजाय जो है वो 4, यहाँ पर मैंने 28 लिख दिया था, 496 और यहाँ 24 का स्क्वायर गया 576, आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया माइनस 1, ठीक है, अब ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करें तो आपके पास ये माइनस का 960 है, माइनस के 960 में से 63 को माइनस किया तो माइनस का 897 आपके पास आया, ठीक है, उसके बाद प्लस का 496 आयोटा एज इट इज़, ठीक, अब आपके पास डिनोमिनेटर में है 49 माइनस माइनस प्लस 576, तो माइनस का 897 और इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास 576 और 49 हो जाते हैं 625, ठीक है, तो 625 इसको अलग से दे दिए और 496 आयोटा डिवाइडेड बाय 625 इसको अलग से कर दिया, ठीक है, रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, अब यहाँ पर शो करेंगे कि रियल पार्ट है आपके पास माइनस 897 डिवाइडेड बाय 625, डिवाइड नहीं हो सकते ये, इमेजिनरी पार्ट है आपके पास 496 डिवाइडेड बाय 625, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ये था आपके पास पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 8 का, लास्ट क्वेश्चन पार्ट रह गया वो पार्ट भी कर लेते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है आपके पास नेक्स्ट पार्ट भी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 7 है, 3 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा की एक्सपोनेंट माइनस 2, अब माइनस 2 को कैसे पॉजिटिव करना है एक्सपोनेंट को ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में लेट जेड इज इक्वल्स टू, अब यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते हैं 3 आयोटा माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा की एक्सपोनेंट अगर माइनस 2 है तो जेड इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 3 आयोटा माइनस 2 की एक्सपोनेंट हो गई यहाँ पे 2, फ्रैक्शन पलट दी, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गई, अब अलग अलग स्क्वायर दे दें दोनों को, 2 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 आयोटा माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब सिंपली ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा दोनों जगह क्योंकि दोनों जगह माइनस की ही साइन है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले की हिंट देंगे कि आप जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, तो 2 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले की 2 फॉर्मूले का, ए की जगह 2 बी की जगह 3 आयोटा, फिर 3 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी अप्लाई होगा फॉर्मूला 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का 3 आयोटा 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर ये a है ये b है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4 माइनस 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आयोटा प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 आयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट करेंगे 4 12 आयोटा और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट किया तो प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9 डायरेक्ट कर लें, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया माइनस 1, अब यहाँ पे भी कर लें, यहाँ पर मैंने कर दिया तो यहाँ पर भी वापस कर दें, प्लस की साइन 9 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, 12 आयोटा प्लस 4, अब देखें माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस के 9 में से आपने प्लस का 4 माइनस किया तो
तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा सिंपली माइनस का 5 और माइनस का 12 आया उठा। यहाँ पर करें तो माइनस के 9 में से प्लस का 4 माइनस किया तो माइनस का 5 माइनस 12 आया उठा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर हो गया है कैंसिलेशन, क्योंकि आपके पास अगर हम माइनस कॉमन ले लें, वैसे तो ये दोनों सेम है, ऊपर का भी कट गया नीचे का भी, माइनस कॉमन ले लें तो 5 प्लस 12 आया उठा, माइनस कॉमन ले लें तो 5 प्लस 12 आया उठा, कैंसिल, जेड आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, जेड आ गया आपके पास 1, दोनों कैंसिल हो गए, रियल पार्ट बचा है, अब आपके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, कैंसिल हो गए हैं तमाम, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गई, तो रियल पार्ट है आपके पास यहाँ पर 1 और इमेजिनरी पार्ट है आपके पास यहाँ पर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऊपर नीचे सेम हो जाए, बेसिस सेम है, डिवीजन हो रही है, एक्सपोनेंट माइनस कर लें 1 - 1 0। ठीक है, तो एक्सपोनेंट कैंसिल, ये हो गई आपके पास यहाँ पर ख़त्म, तो रियल पार्ट आ गया 1 और इमेजिनरी पार्ट आ गया आपके पास यहाँ से 0। ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ, अल्लाह हाफिज़।